तो कैसे हो आप सब? होप सो ठीक ही होंगे। तो अब तक हमने अपनी कहानी में ये जाना कि अमनीश जिंदा है और उसकी बॉडी इम्फाल के किसी गांव में मिली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्फाल के पुलिस अमनीश के सभी दोस्त और उसकी माँ को इस बारे में बताते हैं और उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इम्फाल आने बोलते हैं। अमनीश की माँ अमनीश के जिंदा होने की खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाती है और जल्दी जल्द इम्फाल आने के लिए निकलती है। और इसी के साथ अमनीश के सभी दोस्त भी इम्फाल के लिए निकलते हैं और अमनीश का चचेरा भाई यानी बाबू भी इम्फाल के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग सबसे पहले अमनीश को मिलते हैं और उसकी जान बचाने के लिए सभी गाँव वालों को दिल से शुक्रिया करते हैं। अमनीश को अभी तक होश नहीं आया होता है और वहाँ की पुलिस तुरंत ही सभी लोगों को कस्टडी में लेती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस अमनीश की माँ यानी आशालता को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। हाँ तो माँ जी, आप हमें अमनीश के बारे में बताइए। अमनीश मेरा इकलौता बेटा है और उसके जन्म से पहले ही उसके पापा चल बसे, तब से हम दोनों अकेले ही रहते हैं घर में। अमनीश सुरेंद्रनाथ कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करता है और हमारे घर में पैसों की थोड़ी परेशानी होने के कारण वो दिन में बिल्लू के यहाँ काम करता है और रात को कॉलेज जाता है। बिल्लू के यहाँ? ये बिल्लू कौन है? बिल्लू उस गैराज का मालिक है जहाँ अमनीश पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। माँ जी, आप ये बताइए कि आपको किसी पे शक है या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक एक्सीडेंट है। कौन हो सकता है, मेरे अमनीश की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा लड़का है साहब। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। आप मुझे उस दिन के बारे में बताइए जिस दिन अमनीश गायब हुआ था, जितना भी आपको पता हो। उस दिन मैंने अमनीश को सुबह ही कहा था कि वो जल्दी घर आए, दोस्तों के साथ टाइम पास मत करते बैठे। मैंने अमनीश को कॉलेज छूटने के वक्त कॉल लगाया था लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर मैंने उसके दोस्तों को कॉल लगाया, उनका भी फोन बंद आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि अमनीश ने कहा था कि उसका एक दूसरी क्लास का भी एक दोस्त है और उसका नंबर मेरे पास था, तो मैंने उसे कॉल लगाया। तो उससे मुझे पता चला कि शायद अमनीश किसी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गया है। तो मैंने सोचा आ जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही अमनीश की अचानक से एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी तो घर पे बराबर से आ जाता था। और उस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसने मुझे बोला था अगर उसे लेट हो जाए तो मैं सो जाऊँ, तो मैं सो गई। लेकिन मैं जब सुबह उठी और अमनीश को उसके कमरे में देखने गई तो वहाँ नहीं था। फिर मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। मैंने उसे फ़ोन करने के लिए फ़ोन बस हाथ में ही लिया था कि वहाँ के पुलिस का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरे अमनीश की जली हुई बॉडी मिली है। और फिर सारे सबूत उस बॉडी के पास ही मिलने की वजह से हम सब ने ये मान लिया कि वो बॉडी अमनीश की ही है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इन सब के पीछे कौन है इसका पता लगाने की। क्या पुलिस उस इंसान को ढूंढने में कामयाब हो पाएगी या ये केस भी यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा? तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए रुशूज राइटिंग वर्ल्ड।